नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। कानपुर देहात घटना में लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस ने कानपुर देहात मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को जमकर घेरा, कहा कि प्रशासन ने द्वेष के कारण यह कार्रवाई की है। मासूमों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, एक जाति विशेष के द्वेष भाव के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर जारी रहा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, आप पूरी पीसी के दौरान वहां मौजूद थे। पीसी में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा गया? देखिए मयूरी, कानपुर देहात के इस हृदय विदारक घटना के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है और सियासी पारा जो है अब वो चढ़ने लगा है। अगर बात की जाए सभी विपक्षी पार्टियों की तो वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर हल्ला बोल रहा है इस मुद्दे को लेकर। इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर बिजलाल खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनिल आजम के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि जो घटना है ये परसों की घटना है और इसको एक जातीय रूप देने की भी कोशिश विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकुल दुबे के द्वारा बताया गया कि ये सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है और लगातार जो है गरीबों का हक मारती है, आतताइयों को जो है वो आतताइयों पे जो है बाकी सारी चीजें मुहैया करा रही है, उपलब्ध करा रही है कि जो गरीब तबका है, जो पीड़ित पक्ष है, जो दलित है, जो दलित वर्ग है, उसके हक को ये सरकार लगातार मार रही है। इसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि ये जो परिवार पीड़ित परिवार है वो ब्राह्मण परिवार है, इसके बाद इसको एक जातीय रंग रूप देने की भी कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा की जा रही थी। और प्रेस वार्ता के दौरान नकुल दुबे ने साफ तौर पर यह कहा कि जो बुलडोजर का कल्चर है, जिस भी व्यक्ति ने इस प्रदेश में बुलडोजर का कल्चर ले आया, क्योंकि ये प्रदेश जो है सद्भावना का प्रदेश रहा है, भाईचारे का प्रदेश रहा है, सुकून और चैन का प्रदेश रहा है, तो ऐसे प्रदेश में जिसने भी बुलडोजर की नीति लाई है, बुलडोजर का कल्चर लाया है, बुलडोजर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साफ साफ शब्दों में नकुल दुबे ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनको लोग बुलडोजर बाबा भी कहते थे, उनको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए इस घटने के बाद में हो रही। उसके बाद कांग्रेस की जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो महामहिम से मिलने के लिए निकल रहे थे, लेकिन महामहिम से मुलाकात आज संभव नहीं हो पाई थी, जिसके बाद वो विरोध प्रदर्शन के लिए अपने ऑफिस कार्यालय से निकले और इसके विरोध प्रदर्शन के निकलने के लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां की थी। इनको रोकने के लिए कई जगहों पे 5-5, 10-10 फीट पे जो है वो बैरिकेडिंग लगाई थी, 2-3 बैरिकेडिंग पार करके जो कांग्रेस कार्यकर्ता है विवेक लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब उनका आगे का क्या कुछ स्टेप होगा? देखिए, हमने प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी से भी बात की, सड़क पर बैठ के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पीड़ितों की न्याय की गुहार लगा रहे थे। जब हमने बिजलाल खाबरी से इस बारे में बात की कि अगर आप महामहिम से आज आपका मिलना नहीं तय हो पाता है, अगर कल भी ऐसी कोई परिस्थितियां बनेगी कि आपका मिलना नहीं तय हो पाएगा, अगर ज्ञापन नहीं सौंप पाएंगे तो आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी, अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल से नहीं हो पाती है, हम उनको ज्ञापन नहीं सौंप पाते, सरकार जो है सहयोग नहीं करती है इस मुद्दे पर, तो वो प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, इस मुद्दे को लेकर एक प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश में जो है उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जोरों शोरों से होगा। बिजलाल खाबरी का ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो आला अफसर है, जो जिम्मेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि किसी जेसीबी के ड्राइवर पे, न कि किसी लेखपाल पे। उनका सीधे कहना था कि जो डीएम है वहां की
जो SDM पर जो SSP है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिम्मेदार अधिकारी है, ये लोग अथॉरिटी है किस घटना की, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों का नाम जो है FIR में अज्ञात जी, खबर आप जी विवेक आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, उजागर करना चाहिए और नाम जब FIR होनी चाहिए। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत से हलचल मची हुई है। इन सब के बीच परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं इस पूरी घटना पर DM नेहा जैन की भी जवाबदेही बनती है। जिलाधिकारी नेहा जैन के विषय में अपने संवाददाता से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में, जानते हैं कानपुर की नेहा जैन के बारे में, फिर इस पर अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी अनिल कुमार से। अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी। कानपुर देहात में मंडौली गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर मां बेटी की जलकर मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कानपुर देहात में लगातार सभी के जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं कानपुर देहात की पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई पर लोग वाहवाही करते नहीं थकते थे, तो वहीं कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर से दो लोगों की मौत हो गई। वजह चाहे जो भी दी जाए, लेकिन सवाल तो कई खड़े हुए हैं, और इन सवालों में सबसे पहले जिला अधिकारी की जवाबदेही तो बनती है, पर जवाबदेही देने की जगह वो खुद सवालों के घेरे में खड़ी है, और इसकी वजह बना है उनका डांस। कमर लचकाती हुई ये महिला कानपुर देहात की जिला अधिकारी नेहा जैन है। कुछ दिन पहले कानपुर देहात में महोत्सव का आयोजन किया गया था। 13 फरवरी को महोत्सव का आखिरी दिन था। इस दिन DM नेहा जैन भी महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी। DM नेहा जैन ने मंच पर खूब डांस किया। अब इसको लेकर जिलाधिकारी नेहा जैन की जमकर किरकिरी हो रही है और लोग DM पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 13 फरवरी को दिन दहाड़े जिले की पुलिस और SDM एक पीड़ित परिवार के घर पर आग लगा देते हैं, जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हो जाती है। उसी दिन रात में DM साहिबा महोत्सव में डांस करने पहुंच जाती है। आखिर कौन है कानपुर देहात की जिला अधिकारी नेहा जैन? आपको बता दें, नेहा जैन 2014 बैच की IAS अफसर रही है। फिलहाल नेहा जैन कानपुर देहात की जिलाधिकारी है। 2015 से अक्टूबर 2016 तक आगरा में ट्रेनिंग की, वहीं लखनऊ की जॉइंट मजिस्ट्रेट भी बनी। अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक नेहा फिरोजाबाद की CDO रही। दिसंबर 2020 विकास प्राधिकरण कानपुर की ACEO बनी। 14 अप्रैल 2022 में कानपुर देहात की DM बनी। बहरहाल DM नेहा जैन के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अब उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इस पूरे मामले में मां बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पर इसे परिवार की तमाम मांगे थी, फिर चाहे वो नौकरी को लेकर हो या मुआवजे को लेकर हो, क्या वो पूरी हुई हैं?
जी ने मैं बता दूं कि जिस हिसाब से ये प्रकरण पूरा चल रहा था, परिवार वजनों को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ क्योंकि कल जिस प्रकार से पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, तो कहीं ना कहीं बस एक उनका एक प्लान था कि किसी तरीके से यहां से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं कानपुर के जो कानपुर नगर से जो मंडलायुक्त गए थे और साथ ही कानपुर देहात से जो भी लोग गए थे, उन लोगों ने उस सीट पर बिल्कुल सक्षम हुए और कहीं ना कहीं उस परिवार को मनाने में राजी हुए। तो ब्रजेश पाठक के फोन के बाद ही परिवारजन पूरे तैयार हुए थे इस मामले को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों को भी इन सब चीजों के बारे में सिर्फ आश्वासन मिला है और सब कुछ भी नहीं मिला है। और लगातार सर जो कानपुर देहात जिला अधिकारी है उनपे बड़ा आरोप लगता आया है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वायरल में नेहा जैन डांस करते हुए दिख रही है, और घर वालों का ये भी आरोप है कि जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था और नेहा जैन कानपुर देहात में एक डांस कर रही थी, हालांकि डांस करना गलत बात नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति का काम करना भी अच्छी बात नहीं है। मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लगभग 14 जनवरी को परिवार जन पूरे परिवार के साथ में जब कानपुर देहात में नेहा जैन से मिलने गए थे, वो खुद ना मिलकर एडीएम को भेजा था, एडीएम के बाद जब उनको सामने पर प्रस्तुत कराया गया था तो एडीएम ने उनको जांच किया और मुकदमा लगाने की डराकर उनको वापस घर भेज दिया था, जिसके बाद लगातार एक प्रकरण होता आया था। जब कल परसों पूरे बड़े आला अधिकारी जब पहुंच के वहां पे जगह को खाली कराने गए थे, उसके बाद एक पूरा प्रकरण हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी राजनीति है एक बड़ा रूप ले रही है, क्योंकि ये राजनीति कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समाज को लेकर हो रही है। लगातार इस पे वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उन पर भी बड़ा आरोप लगता रहा है और उनके जो पति हैं उन पर भी बड़ा। सरकार के किसी नुमाइंदे से या प्रशासन के किसी आला अधिकारी से आपकी बात हुई है? जी, जब हमारी कल एडीजी से इस संबंध में बात हुई थी, एडीजी ने कहा था कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी और लगातार इसको जो भी इनकी मांगे हैं और जो भी इनकी चीजें हैं उस पर मांग की जाएगी। हालांकि जो सुबह मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने एसआईटी जैसी गठित करने की बात कही है, लेकिन अगर जमीन पर आके देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जब कानपुर के बिठूर में इनका अंतिम संस्कार किया गया था तो उनके पिता और उनके जो भाई थे, बड़े भाई ने उसको मुखाग्नि दी थी, और जब परसों रात की कृत था जब ब्राह्मण समाज के कुछ लोग वहां मौजूद थे, जब वहां पदाधिकारी पहुंचे थे तो वहां पे एक बड़ा आरोप प्रतिभा शुक्ला के पति वहां पूर्व मंत्री के ऊपर बड़ा आरोप लगा था कि इन्होंने कुछ लोगों को वहां पे गाली गलौज की थी, क्योंकि ये विधान उनकी विधानसभा में एक दूसरा ही कृत था जो इस बड़ी घटना में आई थी। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ महू ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी। सर, परसों आप इस चीज का विरोध करने गए थे तो आप पर क्या क्या आरोप लगा? हुआ ये तो है कि जब परसों ये घटना हुई मड़ौली वाली तो हम लोग वहां गए, क्योंकि समाज में आक्रोश था तो प्रशासन से हम लोगों की बात चल रही थी। वहां पे माननीय विधायक सांसद जी का विरोध हुआ वहां पे कि समाज का रोज कोई कोई मर रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे और आप हमेशा आके बीच बचाव का रास्ता बनाते, समाज का उत्पीड़न हो रहा है। तो जब हम लोगों ने ये बात की तो उनका विरोध हुआ, सोशल मीडिया पे भी उनके खिलाफ कुछ लोगों ने उल्टा सीधा जो भी लिखा हो, इससे वो खिसिया गए मेरे ऊपर। और कल जब प्रशासन से बात होकर मुझसे कमिश्नर साहब ने मुझसे बोला, राजशेखर साहब ने, जब की पोस्टमार्टम हो तो आप जाइए और दुर्गे ने जल्दी करा लिया, क्योंकि कल ही दाह संस्कार कराने की विषय थी। जब मैं पोस्टमार्टम हाउस गया तो वहां पर माननीय पूर्व सांसद महोदय मंत्री जी और उनके साथ एक महिला थी, आज अब मुझे उनका नाम पता चला कि सुषमा गौतम नाम है उनका और जिला पंचायत सदस्य है बारह से। वो उन्होंने एक प्लान तरीके से मेरे ऊपर वहां पे हमला किया, क्योंकि वो मैं जब वहां गया तो मेरे बारे में बड़ा नेता बनता है, हर हर आत्महत्या को हत्या बना रहा। शिवम जो लड़का था उस परिवार का जो पीड़ित था, उसके मुंह पे ये बोल रहे थे तेरी माँ ने आत्महत्या करी है, तू मतलब उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने इस बात का विरोध किया, ये बोले मैं जय भीम बोलूंगा, मैं जय परशुराम नहीं बोलूंगा, तो मैंने वहां जय परशुराम बोल दिया। इसी बात पे उन्होंने मुझको गिरेबान पकड़ के धक्का दे दिया, तो चूंकि वो मेरे अग्रज है बड़े हैं तो मैंने अपना हाथ बांध लिया, मैंने कहा ठीक है आप मुझे मार दीजिए जितना मारना है। उसने बीच में कृष्णा गौतम जो है उन्होंने बोला तेरे पर मुकदमा लिखाऊंगी, गाली गलौज बड़ी है, वो वीडियो तो आपने देखी होगी, और मेरे ऊपर चप्पल चलाई जानबूझकर, मतलब ब्राह्मण समाज को ये अपमानित करने के लिए वो गैर ब्राह्मण महिला से उन्होंने चप्पल चलवा के, और मैंने उनको बताया अभी कि मैं वकील हूँ, तो वकील तो क्या फांसी कराएगा तब, तो अधिवक्ता हूँ मैं, ये भी बताया मैंने उनको ब्राह्मण समाज से हूँ मैं, ये वो जानते ही थे वर्तमान में। तो ये टारगेट करके उन्होंने अपमानित करने का हमको पूरे समाज को दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर। तो लगातार प्रतिभा शुक्ला पति हैं पूर्व मंत्री, लगातार दिमाग घेरे में मैसेज रहते हैं और वर्तमान में जो मैं हूँ ब्राह्मण समाज के जो भी लोग हैं उनका सीधा सा विरोध है और उनको लेकर विरोध है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, मैं कानपुर देहात में बड़ा मामला हुआ है जिसमें वहाँ के दो महिलाएं आज तक मन रखा, क्या कुछ पूछना होगा आपको? कहना इस बारे में
कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण समाज के जो भी पदाधिकारी थे उनके ऊपर जब देर रात कर सकता था तो इस पर उनसे विरोध लगातार जारी है। उन्हें बता दूं कि किस हिसाब से कानपुर के हाथ में इतना बड़ा मामला हुआ है, लेकिन अगर उनके घर वालों की बात की जाए तो भी घर वालों को सिर्फ आश्वासन मिला है, क्योंकि जब आज उनके बड़े पुत्र शिवम से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि कल खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, फिर आपका रुख करेंगे। आज G20 की बैठक का आखिरी दिन है। G20 की डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप बैठक का समापन हुआ। सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखी। राजधानी में 3 दिवसीय बैठक चली तो वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट करके सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। ट्वीट करके लिखा कि भाजपाई G20 में रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर से लिखा गया कि कानपुर जल रहा है, नेतागण नाच गाना देख रहे हैं। बता दें राजधानी में 3 दिवसीय बैठक चली। G20 की बैठक का आखिरी दिन इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, G20 की बैठक का आखिरी दिन, वहीं सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया जा रहा है, सरकार की तरफ से देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, एक तरफ GIS और G20 का आयोजन किया गया देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो है भारत मेजबानी कर रहा है G20 का, पहली बार भारत अध्यक्षता कर रहा है इसका। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में 11 सम्मेलन G20 के होने हैं और लखनऊ में 13, 14 और 15, यानी आज आखिरी ये सम्मेलन है जो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के बैठक हुई है, चर्चाएं हुई हैं, और ये राष्ट्राध्यक्ष देशों के आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधित्व में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 का जो सम्मेलन हुआ है, यहाँ पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और यहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये लगातार चर्चाएं चलती रहेंगी इसके बाद बनारस में, वाराणसी में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में 6 कार्यक्रम होने हैं सम्मेलन के G20 के। ये अगस्त तक चलेगा, उसके बाद फिर वहाँ पर जो 6 कार्यक्रम होंगे उसका समापन भी वहाँ किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ में आज समापन हुआ है G20 सम्मेलन का। जो विदेशी मेहमान आए थे वो कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ का लुत्फ उठाया उन्होंने, लखनऊ के इमामबाड़ा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है भाजपा। गोपनीय तरीके से सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा सर्वेक्षण, सांसदों की छवि के साथ कई बिंदु हैं शामिल। पीएम ने भाजपा की संसदीय दल की बैठक में नसीहत दी थी। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में फैसला होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, लखनऊ के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है भाजपा, उसी के आधार पर आगे का चुनाव होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर?
देखिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सभी सांसदों का यहाँ पर रिपोर्ट का तैयार होगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जो जिस समय भारत सरकार के वो यहाँ सांसद। इसके अलावा हम बात करें तो मोहनलागंज सीट से अगर बात करें तो वहाँ पर कौशल किशोर सांसद है। यहाँ पर बात लखनऊ की नहीं बल्कि यहाँ समुचे उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है। समुचे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सांसदों का विकास कार्य की बात करें तो शायद उन्होंने कहा कि जनता वहां से खुश नहीं है। तो इसलिए सांसद अगर वो सीट हार जाते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते ही खेल की सबसे ऊंची कुर्सी का रास्ता तय होता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए सरकार जो बीजेपी है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसी कड़ी में यहाँ पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जाएगा और रिपोर्ट कार्ड जाने के बाद पर समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद ही देखा जाएगा किसको यहाँ पर दोबारा टिकट देना है और किन किन सांसदों का यहाँ टिकट काटा जाए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए फिलहाल यहाँ पर हैट्रिक का मामला है। तो वहीं विपक्षियों के पास भी ये कहानी ये है कि अगर विपक्षी उत्तर प्रदेश कुछ बेहतर करते हैं कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी को नुकसान होगा। अगर आप बात करें 19 चुनाव की, यहाँ पर बीजेपी को 64 सीट मिली थी, जो सीटें यहाँ पर अपना दल के पास है, कहीं ना कहीं 66-70 सीटें उनके पास है। उन सीटों के माध्यम से बीजेपी सरकार में आई थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है यही बात है कि अगर सांसदों का टिकट काटा जाएगा तो एक संदेश भी जाएगा कि अगर कोई काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सरकार या बीजेपी उसको लेकर गैर उसमें कार्रवाई करती है। और यहाँ पर जो टिकट काटने की प्रक्रिया रहेगी वो भी होगी। अभी हमने देखा था विधानसभा चुनाव में तमाम लोग टिकट काटने दिए गए थे, बड़े बड़े नाम थे, अगर बात करें उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है, बीजेपी अगर चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर चुनावी मोड में रहती, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे एमएलसी चुनाव की बात करें और चाहे सांसद चुनाव की बात करें, चाहे चुनाव होने वाले और चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड ये केंद्रीय जो समिति है बीजेपी की वहां पर जाएगा और केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में निरीक्षण किया जाएगा किसको यहाँ पर टिकट देना चाहिए और किस सांसद का यहाँ पर कार्य खराब रहा है जिसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आखिरी दिन है आज। कल से अगर पकड़े गए तो 5,000 का चालान देना होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन स्वामी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा समाप्त हो गई है, वहीं अब इस पर चालान कटेगा। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया था कि आज उसका समय सीमा समाप्त हो रहा है, यानी बुधवार। आज के बाद जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर का प्लेट नहीं लगा होगा उन गाड़ियों का चालान अभियान के तहत किया जाएगा और इस चालान की राशि जो होगी वो 5,000 रुपये होगी यदि चालान में वो गाड़ी पकड़ी जाती है। अभी फिलहाल कुछ पिछले वर्ष की अगर बात करें तो कोविड महामारी के चलते इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई थी। अगर सीरियल नंबर की माने तो 01 से लेकर के 09 तक के जो गाड़ियों के नंबर थे उनको समय समय पर छूट दिया गया था। तो फिलहाल अभी जो जानकारी लखनऊ के आरटीओ ऑफिस से मिल रही है, वहाँ के आरटीओ प्रवर्तन ने ये बताया है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो दो पहिया हो या तीन पहिया हो या चार पहिया हो या 8-10 पहिया हो, जो भी भारी वाहन है, सब पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई गाड़ी में नहीं लगा है तो उसका चालान होगा। इसके लिए एक रास्ता और निकाला गया है प्राइम टीवी के माध्यम से। जो हमारे दर्शक हैं हम उनको इस चीज़ को बताना चाहेंगे कि यदि किसी ने अपना हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं बनवाया है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद उसकी जो रसीद है यदि उस रसीद को दिखाते हैं तो वो 5,000 रुपये के जुर्माने से बच सकते हैं। फिलहाल अब आज बुधवार बीत गया है, इसके बाद से कल आरटीओ विभाग और संबंधित थाना पुलिस ट्रैफिक मिल करके इस तरीके के जो गाड़ियां हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है प्लेट उन गाड़ियों की छानबीन की जाएगी और वो जहां पर मिलेंगे उनको चालान किया जाएगा। दूसरी बात मयूरी आपको और बता दूं कि पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये चालान का है जो प्रावधान है और दूसरी बार अगर गाड़ी फिर से पकड़ी जाती है तो गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी मिल रही। कुल मिलाकर अभी हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट लगाने के समय अवधि थी वह आज बुधवार को समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले समय में यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के तो उनका चालान तत्काल किया जाएगा और चालान की राशि होगी 5,000 रुपये। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।